Hi, this is Sara Khan. Install Hum TV app for amazing content. कैसे बनी थी राजा की रानी? असल में तुम्हें बता रही हूँ, तुम ठीक नहीं कर रहे। मैं सच कह रही हूँ, मैं चली गई ना, मैं वापस नहीं आऊंगी। चली तो गई हो जिया, और कैसे जाओगी? अभी और इसी वक्त इसे मेरे सामने तलाक दे दो। अब दे दूंगा तलाक, ये शौक भी पूरा कर दूंगा। इसे इसे के अपने मुंह से मांगे, तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। हाय, मैं मार गई। जमशेद साहब, तुमको सुनाई थी हमने कहानी, कैसे बनी थी राजा की रानी। तुमको सुनाई थी हमने कहानी, कैसे बनी थी राजा की रानी। सुनो चंदा, पासपोर्ट के टुकड़े तुमने जोड़ दिए जिया, लेकिन मेरा खिरची खिरची दिल नहीं समेट सकती। बहुत पछताओगे तुम। सर, तुम क्या समझते हो, ऐसे इमोशनल सीन क्रिएट करके रोक लोगे तुम मुझे? नामुमकिन है। अब बात मेरी जिद और अना की है। चली तो जाओगी जिया, जाहिर है निजेद की गुलाम हो तुम, लेकिन जो चीजें छोड़कर जाओगी तुम, वो शायद जो की तुम वापस मिल जाए तुम्हें, सवाए मेरे। मैं जानती हूँ अरसल, तुम ज्यादा देर खफा नहीं रह सकते मुझसे। मुझे यकीन है मेरे जाने के बाद बहुत जल्द तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा और तुम आओगे मेरे पास। मैंने जी कैश पकड़ना है, और तू अगर आउट हो गया, तू ये ना बोली कि ट्राई बॉल थी, ठीक है? मैंने ये मुंह पे मारनी तेरे बॉल, चल आ खेल। आउट करो इसको, आउट करो, ये आउट है। तू यार आउट करो ना, हमारा भारी बहन है, अभी हमारा भाई होता कब का आउट की थी उसने, तुमसे आउट ही नहीं हो रहा है। गया, चलो गया, 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 मैं कैच पकड़ेगा। हाय हाय, सही भी आओ ना, सिर्फ उधर फील्डिंग करो, उधर उधर बॉल फेंको। नहीं यार, तुम लोग खेलो, मैं बस मिलने के लिए आया था। वैसे तुम लोग बहुत याद आओगे मुझे यार। मैं काम करता हूँ, तुम लोगों की पिक्चर लेता हूँ, ताकि जब भी याद आओ मैं पिक्चर्स देख सकूँ। ए शेरी भाई, मैं बताता हूँ आपको, उधर चल के फोटो खींचते हैं, क्या लाइट आ रही है, मजा आ जाएगा उधर। नहीं नहीं, ये ओप्पो F11 प्रो है, इसमें लो लाइट में भी बहुत अच्छी पिक्चर आती है। हैं, मेरी फोटो? एक मिनट एक मिनट एक मिनट शेरी भाई, आ जाओ। हाँ शेरी भाई, एक और एंज करके वेरी नाइस। चलो अब सेल्फी ले हम लोग। हाँ, लेते हैं सेल्फी, लेते हैं। पर हूँ, चल साइड पे हो। अरे लड़का, साइड पे हो। एक मिनट, एक मिनट। चलो, स्माइल। हमें शेयर करो, इतना प्यारा पिक्चर आया है, हमें भी शेयर करो, हमें भी शेयर करो। मुझे भी, मुझे भी। शेरी भाई, जैसे मैं आपको बात बताऊँ, आप ना हमें बड़ा याद आओगे वैसे। बस जाना पड़ रहा है, क्या कह सकता हूँ, मैं आऊंगा वापस, डोंट वरी। ले आए प्रवीण साहिबा, बन गए पराठे।
आ गई जी आ गई। ये लो पराठे। वैसे छन्नो बड़ा ही दिल कर रहा था कि चाची नगीना के पराठों में ना आलूओं के बजाय जहर घोल दो। अल्लाह पुन्नु तुझे क्या जरूरत पड़ी है जहर घोलने की? वो लेके जा रही है ना जहर की पुड़ियों को अपने साथ उस बिल्लो बांदरी को। अल्लाह वैसे दोनों सास नूह में ऐसा दंगल लगना है ना पूरा चीचा वतनी आया करेगा तमाशा देखने। बिल्लो इतनी भी बुरी नहीं है। हाँ बिल्लो ना सही पर चाची नगीना पूरी नागन है नागन। अरे सारा खानदान कहता है एक तरफ चाची हो तो दूसरे पासे सब तो पहले चाची नू मारो। लिसन नी पीनो शाबाश बढ़िया तरीफा कर रही हो मेरी। एक काम कर तू ना ऐड दी स्पॉट ना मुझे गोली मार दे ताकि स्यापा मुके मेरा काम ही मुक जाए। मेरी जो डेड बॉडी होगी ना आप ही मेरा जोजी ना ट्रेन में रख के ना सप्लाई करवा देगा चीचा वतनी समझी। अल्लाह माफ करे बेबे जी की कह रहे हो? क्या हो गया चाची नगीना मखौल कर रही है पीनो है। वैसे आप भी छापे मारने की पुरानी आते गई नहीं है तो बस रहने दे मत मखौल ना कर मेरे साथ। मैं तेरे मखौलों वाली वैसे भी नहीं हूँ। ये जो पूरी शादी में तुमने टुगेदर मेरी इंसल्टों पे इंसल्टे की हैं और मेरे खिलाफ जो गठजोड़ किए हैं ना सारी लाइफ ना मैं कभी नहीं इसको इग्नोर कर सकूंगी। माय मदरशिप तुसी बेफिकर हो जाओ एक बारी होण दियो जरा मिठू दी भी शादी फिर देखना मैं किवें गिण गिण के अपने शरीका कोल बदले लैणे। मैं ओ जा ऐसा करूंगी मिठू दा व्याह लोग मसाले देंगे मसाले। चाहते हैं मसाले देंगे। हाँ ना बस ठीक है इंशाल्लाह बड़ा अच्छा होगा मिठू का व्याह। चले चाची नगीना है अब इसी खुशी के मौके के ऊपर ना आपने ना गले मिल लेना फिर से चले। नहीं मेरा हार्ट बिल्कुल नहीं कर रहा इसको मुंह लगाने को। अच्छा तू इंसिस्ट करती है ना तो तेरे कहने पे तेरा हार्ट रखने के लिए ना मैं इससे जब भी पा लेती हूँ चला लाग मेरे गले। दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा पर अब बात आ गई ना जर्फ की तो ठीक है चाची फिर लग जा गले ठा करके। मोहब्बतें वो मोहब्बतें खत्म कर रही है बीजान कह रही है कि वो ना ट्रेन का वक्त हो गया है। बीजान ने एक तो हर जगह ना परथू पाया होता है हमें है भाई बीजान दा जवास चले ना तो वो तो ट्रेन को ना इस कमरे के अंदर ही बुला ले और मुझे उसके अंदर सोट के ना सप्लाई कर दे। अच्छा भाई शहाना और परवीन बाजी दुआ करना कि हम हिफाजत से पहुंच जाएं। देख बिल्लो ये जाते जाते ना मुतनाजा बातें ना कर हैं दो चार महीने ही बड़ी होंगी मैं तुझसे। अरे सही वक्त पे तेरी शादी हो जाती ना तो तेरा भी मिठू जितना पुत्र होना सी। आइंदा बाजी ना कमी। आई एम सॉरी परवीन बाजी। चाची रोजाना पंचायतें लगेंगी कराची में। किंजा अब याद से जलाल के सामने एयरपोर्ट पे रोना धोना मत। तुम्हें तो पता है उनको संभालना कितना मुश्किल हो जाता है। अम्मी आप बेफिक्र रहे मैं ना है ना उन्हें संभालने मैं खाक संभालेगी। उसको तो फुर्सत ही नहीं मिल रही अरसर और मिट्टू के इर्द गिर्द घूमने से। वैसे पता है अम्मी मेरी बात माने नैना को हॉस्टल भेज दे। ये पता है गलती से भी उसके मुंह से दाजी के सामने कोई ऐसी वैसी बात निकल आई ना तो खानदान में तूफान आ जाएगा। मैं आज ही जलाल से बात करती हूँ और वैसे भी उसका मुनासा भी नहीं बनता अब यहाँ रहना। वैसे भी उसने पेशावर में तो यही बोला हुआ है ना कि वो हॉस्टल में रह रही है तो बनता है। एक नंबर की छटांक लड़की है ये सारा खानदान मकार है जलाल का। ऐसा बोली अम्मी अगर बाबा ने सुन लिया ना तो वो माइंड कर लेंगे। आपको इस सिचुएशन को बहुत समझदारी से टैकल करना होगा। कैसे करूंगी मैं? अस्सलाम वालेकुम आका जी अंदर आए ना दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? तुम लोग बातें कर रही हो तैयारियां हो गई तुम लोगों की बेटे? जी आप आ जाते साथ में तो अच्छा रहता। हाँ बेटा नहीं मैं वहाँ यूके में ज्वाइन करूंगा ना तुम्हें। मैंने वो कागजात प्रिंट करवा के दे दिए हैं होटल की बुकिंग वगैरह की शेरी को दे दिए हैं ताकि वहाँ प्रॉब्लम ना हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया आगा जी। वो चलो मासूमा बाहर वो जवाद की फैमिली जा रही है उसे खुदा हाफिज़ नहीं कहोगी बेटा? जी जी मैं आती हूँ आप चले ना। आओ बेटा मेरा दिल तो बहुत उदास हो रहा है क्या कहूँगी मैं तुम्हारे बारे में। अच्छा सुने उदासी को अभी के लिए साइड पे करें और ये सोचें कि आप दाजी को मेरी शादी के बारे में कैसे बताएंगी। नहीं पता इतनी देर उनसे ये बात छुपाना मुनासिब नहीं। मेरी बला से जलाल जाने और उनका खानदान जाने। अब तुम चलो बाहर सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं चलो।
सलू भैया जी, आई एम सॉरी। सॉरी क्यों कह रहे यार? एक काम क्यों नहीं करता, जाके पूरे खानदान को क्यों नहीं मेरी शिकायत लगा देता है? नहीं बल्कि एक काम कर, मिलके सारे मुझे सूली क्यों नहीं टांग देते हो? एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम डलवा देना मेरा। वो तो पहले ही आपको वीजा नहीं दे रहे। तुझे बकवास बंद कर अपनी, दहाड़ जस कमरे के बाहर शक्ल ना दिखाई अपनी। क्यों मेरा गुस्सा उस बेचारे पर उतार रहे हो? शक्ल देखिए बेचारे की, कितना मासूम है। तुम्हारा गुस्सा क्यों उतारूंगा मैं? हमारा रिश्ता ही क्या रह गया जो मुझे तुम पे गुस्सा हो? माफ कर दो मुझे। सिल्लू भाई रुक पर जाई जी, वो बीजान का बुलावा आया, शेती शेती आ जाओ मेरे नाल। क्यों जी? मैं मान जा रहे ना वापस। तो मैंने उनको कौन सी 21 तोपों की सलामी देनी है या गार्ड ऑफ ऑनर पेश करना है? मान जा रहे हैं। वैसे सल्लू भाई बड़े अफसोस वाली बात है, आपका वीजा नहीं लगा तो वैसे नाराजगियां निकालेंगे अपनी। अपने काम से काम रखा कर, समझ आई है? कितनी होश आ गई है वीजों की। जय जी आ जाए नीचे। आप जाए, मैं आ रही हूँ। चल निकले। अच्छा लगी ना, कहा था ना माफ करना। बड़ी जब तुम इंग्लैंड जाओगे ना तो रास्ते में से ना चीचा पत्नी से जरूर फेरा लगा के जाना। क्यों चाची नगीना? चीचा नगनी का फेरा नहीं लगाया तो मलका बरतानिया ने आवा जी की हाजिरी कबूल नहीं करनी है। हो सकता है इसका भी वीजा रिजेक्ट हो जाए असल की तरफ। जलाल भाई जान हर जगह ना अपनी लून मंडी खोल के ना बैठ जाए करे दूसरों के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए। माय हार्ट इज वीपिंग, कदरा मेरे थ्रू ना निकल आए, माय हार्ट बहुत कोमो कर रहा है। हार्ट अटैक ही ना हो जाए इसको। अच्छा शाहजहान बड़ी अपना बहुत ज्यादा टेक ऑफ रखना। क्या करना? टेक ऑफ कहीं ट्रेन ना निकल जाए आपकी। हाँ भाई देर हो रही मेरे खाने चले। अच्छा मियां जब आप देखो अरबेला की तरफ से हमें कोई शिकायत ना मिले। हाँ जी बेफिक्र हो जाओ जी, बाबा जी आई एम मेरा मतलब आई एम सॉरी आगा जी। अच्छा दी जान दुआओं में याद रखिए। चलें जी चलें, चल बुलो हाँ चाची से बच के रहना। हाँ चल ओके, खुदा हाफिज चाची। ऐनक ला ले चल। हमारा दिल भी बैठे जा रहा है, पर जब खुदा का कसम है हमको बहुत टेंशन है तुम्हारी वजह से। क्यों पापा? वाह जिया भी तो तुमको अकेला छोड़कर जा रही है। उठा तमीज। ओ भाया बस बस बचे बस। बाबा जा चुके हैं वो। खुदा पामान, खुदा पामान, खुदा जमाल शाह। और तुम लोग कब जाओगे? बीजान बस हम भी निकल रहे हैं घंटे तक। चलो ना अंदर जाके तैयारी करो, खैरियत से जाओ। जी सर का हुआ बच्चे सर का हुआ। रश 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 करे छेती नाल हाथ ला। बेबे हुक्म करो। हेलो बिनो। हाँ जी बिनो। अरे मैं मर गई है, तूने क्यों मुंह के ऊपर सब्जी की दुकान सजाई हुई है? तू चाची नगीना के टब्बर को खुदा हाफिज कह आई है? अल्हम्दुलिल्लाह है, चाची नगीना को तके मार के निकाला है, बड़ी मुश्किलों से गई है। वैसे चाची नगीना अगर एक और हफ्ता यहाँ टिक जाती ना तो आगा जी के साथ उसका निकाह खड़क जाना था अल्लाह के हुक्म से। रहन दे पिनो, चाची नगीना का तो मुझे नहीं पता लेकिन आगा जी का ना अभी इतना दिमाग खराब नहीं हुआ। मिट्टी डाल है दस। ये मैना कैसे जचेगी मेरे मिठू के नाल? एक नंबर की नीसनी है। ओ मासी इतनी बुरी भी नहीं हैगी वो। चुप कर। चल कोई नहीं, वो मीसनी ते मेरा पुत्र भी बा, ऐसी फिट जोड़ी बनेगी दोनों की। पिनो अपना प्रोग्राम जो है ना कुछ 6 महीने अगे पीछे कर दे, पिछले एक साल से सल्लू के ब्याह ने ना मेरा दिमाग भुला किया हुआ है। ना जी साड़ी वारी आए ते कुगू रो पिया।
अच्छा सुन वो ना, मैं तुझसे पूछने के लिए आई थी, तेरा वापसी का क्या प्रोग्राम है? बीजान ना मुझसे आले बाले से पूछ रही है। बीजान को बता देना कराची से मैं एक इंच भी नहीं हिलूंगी जब तक मेरे मिट्टू का विवाह नहीं हो जाता। अल्लाह पिनो ना कर, बीजान ने तेरा ये 5 साल मंसूबा सुन लिया ना तो गाश खा के नीचे गिर जाना है। अगे पीछे काट टाइम को थोड़ा सा ना। पर वो जोजी बुड्ढा, उसको तो 2 माह में मिल गई ना बोटी 1 महीने के अंदर, तो 1 महीने के अंदर इसको क्यों नहीं मिल सकती? माशाल्लाह मेरा पुत्र शेर जवान। हाँ वो तो मिल जाएगी, लेकिन ये शेर जवान को जलाल भाईजान दे देंगे रिश्ता? तो फिक्र ही ना कर, शेर ही डालूंगी 2 माह के अंदर अंदर, मिठू ते मैं पिंजरे दे अंदर। जी बहुत बड़े बड़े मजा आ गया। एलो हवा लो, सच ले बैठो। वैसे हम निकलने वाले हैं तो सोचा कि आगे मुदाफिस बोल दें। मैं जा रहा हूँ तुम लोग को छोड़ने। अरे वाकई जिया तुम भी जा रही हो? नहीं एक्चुअली वो फालतू लोगों की जगह नहीं है गाड़ी में। आई मीन जलाल गुफा और मासूमा को भी जा रहे हैं ना, तो गाड़ी में जगह नहीं। अच्छा फिर ठीक है। तुम लोगों का हनीमून ट्रिप कितने वक्त का है? वैसे तो महीने का था, लेकिन फिर जमशेद मामू ने बोला कि तुम आ रही हो तो हमें होना चाहिए ना। यार आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम लोगों का ट्रिप। कम ऑन यार जिया, डोंट बी फॉर्मल। अर्सल तुम कब अप्लाई कर रहे हो वापस वीजा के लिए? एक्चुअली मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है अर्सल। वैसे विजिट वीजा मिल जाएगा ना अर्सल को? क्यों शायद? ऑब्वियसली मिल जाएगा दूसरी बार। छोड़ो यार ये क्या बातें लेकर बैठ गए हो, एक्चुअली चेक इन शुरू हो गया होगा यार, हमें चलना चाहिए। तुम भी है ना कोई इसलिए। टेक केयर जिया, फिर लंदन में मिलते हैं इंशाल्लाह। कुछ नहीं होता, सेट हो जाएगा। चलो मुझे भूख ऑर्डर करने को, वरना पता है तुम्हें भी मजा नहीं आएगा। सेट रहो। किंसा मैं उस इंसान को खुश नहीं रख सकती जो खुद खुश नहीं रहना चाहता। ठीक हो जाएगा, मैंने वैसे भी उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन फिर भी जिया देख लो, अपना खूबसूरत रिश्ता मत खराब करना। तुम लोग क्या बातें करने लगे हो, तुम लोग जाना है। चलो मुसीबत आ गया है। ओहो मैना जी, मैं तेनू किन्नी बारी दसिया है मुसीबत मोनस होती है मुजक्कर नहीं। वाह वाह मिट्टू इंजीनियर, खाना खराब है तुम्हारी मुजक्कर मोनस का। मुझे बताओ सेलफोन में बैलेंस है? जलाल मामू को फोन करनी है मुझे। ओहो मैना जी आपको पता नहीं है मिट्टू के पास फ्री मिनट्स की दुकान लगी हुई है, मगर नेटवर्क कौन सा है? मेंटल पीसा। ओ मैना जी हमारा किंजा हमको छोड़कर चला गया सात समंदर पार परदेश में। अल्लाह हमारी बच्ची को खुश रखे, आपने तो रो रो के नहुसत डाल दी है, बस करें। खुशी होगी फुफा यहाँ से जाके, वो चले उतरे। क्या हो गया फुफा? दादी का बूट, हमारे 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 टोपी की तरह, हमको टोपी टोपी भूल गए। ठीक अब ठीक है दादी,
खुदा भगवान, खुदा दे बलशा दाजी, खुदा दे बलशा। चले उसे कहो कि अस्पताल ले जाए, किसी डॉक्टर को दिखाए। बेटा अब तो 2 घंटे हो गए हैं एयरपोर्ट छोड़ने गया है या लंदन चला गया उन्हें छोड़ने। पता नहीं माँ जी। अरे बेटा जरा देखो तो तुम्हारी बच्ची का क्या हाल हो है। तो बच्ची की शादी करके ऐसे हाथ जोड़ के फारिग होके बैठ गए हो एक तरफ। बीजान मुझे गुस्सा चढ़ा है, यहाँ ये हाल है, बाहर जाएगी तो क्या करेगी, कौन ख्याल रखेगा इसका। पुदीने और सौंफ से मैंने कहवा बनाया। चल हिम्मत कर, चलो शाबाश, ठीक हो जाएगा तेरा। चाबाश हिम्मत पकड़, शाबाश मेरा बच्चा। खैर मुझे चम्मच लाती, ये देख छोटो छोटो शाबाश। तो कुड़ी नु कोई आराम आया? वो बीजान छुपने की कोशिश कर रहे हैं। कत्ल शतल करके आयो जलाल साहब। जलाल मियां कुछ बताओगे कि हुआ क्या है? बीजान वो जलाल के दाजी को पता चल गया कि शेरी और किंजा की शादी हो रही है। भाई किन्ने लाई चुगली? वो मैंने ने व्हाट्सएप पे शादी की तस्वीरें लगा दी। शादी की है उसने, कौन सा भाग के चली गई है? अरसल, अरसल जी बीजान देखो तो तुम्हारी बीवी का क्या हाल हो रहा है, इतनी तबीयत खराब है उसकी, उसको डॉक्टर को दिखवाओ। बीजान मेरे पास टाइम नहीं है, वैसे भी इसे कहे कि अपने काम खुद करने की आदत डाल ले, वहां जाके भी तो करना ही है। अरे ये कौन सी कहानी सुना के चला गया? दाजी कब के फोन आ रहे, वो नहीं पूछो। ये दाजी है या कोई हिटलर जो पेशावर से कराची तक उसकी दहशतगर्दी फैली हुई है? और अगर इतना डर था तो फिर शादी क्यों की बच्ची की? वो बीजन तुमको क्या पता पठान को किस बला का नाम है। इधर बच्ची की तबीयत खराब है, उधर उसने अपना तमाशा है। अच्छा बस बेटा बस बस पीजन मेरे पास टाइम नहीं है, वैसे भी इसे कहें कि अपने काम खुद करने की आदत डाल ले, वहां जाके भी तो करनी ही है। मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रही थी इसलिए मैं खुद आ गई हूँ। देखो माँ अगर जिया से रिलेटेड कोई भी बात है ना मुझे करनी नहीं है। अरसल रुको एक मिनट, देखो अरसल जब तक हम बात नहीं करेंगे तो मसले का हल कैसे निकलेगा? मसले का हल वो निकालते हैं जिन्होंने रिश्ते निभाने हो। माँ क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि समझ गया हूँ मैं, सीडी की तरह इस्तेमाल किया मुझे इसने सिर्फ बाहर जाने का शौक पूरा करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिया को क्या जरूरत है ये सब? उसी को जरूरत है उमा, उसी को जरूरत है। अच्छी तरह जानती थी मीसनी के नहीं जाने देंगे इसे चाचा चाची बाहर बगैर शादी के। देखो अब तुम ना फजूल बातें सोच रहे, और वैसे भी गलती तुम्हारी भी, तुमने भी तो वादा किया था ना उससे। ये वादा नहीं किया था मैंने कि ये बसा बसाया घर छोड़ के भाग जाएगी बाहर सिर्फ अपने फ्यूचर के चक्कर में, मैं क्या करूंगा ये पीछे से। अरसल देखो मेरी बातों का माइंड मत करना, लेकिन इस वक्त तुम अपना घर खराब कर रहे हो, वो नहीं कर। हुमा अगर वो लड़की होकर ना मुकाबलेबाजी और जिद पर अड़ सकती है तो मैं उसके गोटों को हाथ लगाऊं, पैर पड़ूं उसके आगे कि मत छोड़ कर जाओ मुझे। असल जमशेद जी सब कर सकता है, ये नहीं कर सकता, बता देना उसे।
मामू जाना माता सा पता दाजी दिस शौकीन सड़े दा जमा व्हाट्सएप स्टेटस बहु गोरी या पाक बोले जो हन्नों के टो वाले जलवने या अल्लाह दा संगे जी ने दे ओहो खुदा के लिए अपनी पश्तो तो बंद करो पता नहीं मामू भांजी हमारी बुराइयां ही कर रहे हो नहीं हम ऐसा नहीं है आए पुत्र तू ऐसी नहीं है लेकिन तूने जो तीली लगाई है ना उसके शोले पेशावर तक पहुंच गए दाजी कपूर हो तो कौन सी ऐसी आफत आ गई उठा लो फोन बात करो नहीं पू नहीं अटेंड कर सकता हमें पून के बीच में से गोली मार देगा दाजी मुझे और ये दाजी है कोई गब्बर सिंह मेरे मथे लगाओ सारी फूं फाने का आ देनी है मैंने बड़े पठाने खान की हमारा दाजी के खिलाफ ऐसे नहीं बोलो हमारा घर तो उबलती है और हमारा जो दिमाग उबल गया है उसकी किसको परवाह है आप लोग सब माने या ना माने इसने जानबूझ के ये तस्वीरें लगाई हैं मासूमा फजूल बातें छोड़ो इस मसले का कोई हल निकालो अगर फोन ही नहीं उठाओगे तो पता कैसे चलेगा उस तरफ क्या हो रहा है वो दाजी देखते ही पार मार देगा ओ ये दाजी ने कोई परमिट लिया हुआ है बंदे उड़ाने का क्या हो रहा है ये जो करना है जल्दी कर लो मेरे तो दिल की धड़कन तेज से तेज तर होती जा रही है अरे पीनो तू ना इधर आ जा सैड के ऊपर है ताकि नजाकत पाई कि ना दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाए ये जान मुझे लग रहा है ये ऐसी फजूल बातें करते रहेंगे इस मसले का कोई हल नहीं निकलेगा हाँ ऐसी खाम खामे राई का पहाड़ बना रहे चलो आओ चलो चले आगे लगे करा पमारा सॉरी 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 द संग ले वड़े दे नजर कम नजर कम नजर कम हालत देखो जरा आप परसों तुम्हारी फ्लाइट है और तुम इस कंडीशन में जाओगी चली जाऊंगी रात तक ठीक हो जाएगी यार मेरी मानो जिया तुम मत जाओ मैं किसी कीमत पर यहाँ नहीं रुकूंगी तुम्हें पता है अरसल बहुत खफा है तुमसे तो होता रहे मैंने भी उसको कोई खुश रखने का ठेका नहीं उठाया तो शौहर है वो तुम्हारा हाँ तो मैं भी बीवी हूँ उसकी प्यार करता है तुमसे तुम समझते क्यों नहीं हो प्यार व्यार नहीं करता है सिर्फ और सिर्फ उसकी जिद है ईगो हर्ट हो गई है उसकी वो ये सोच रहा है कि मैं लड़का हूँ ये लड़की है ये इतनी आंखें कैसे पड़ गई एक मिनट तुम्हारा और अरसल का कंपटीशन कब से नहीं था लेकिन उसने बना दिया यार मेरा प्लीज मेरा दिमाग खराब हो जाएगा मेरी तबीयत खराब है क्यों तुम उसकी बात करके मेरी तबीयत और खराब कर रही हो मुझे दो वो ट्राउजर मैं दे दूँ तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी तुम जिया को रोकते क्यों नहीं हो उसकी कंडीशन ऐसी नहीं कि वो इतना लंबा सफर कर सके चाची अब किसी के कहने से नहीं रुकेगी सॉरी बेटा मैं बहुत सॉरी नहीं चाची आप आपकी क्या गलती आप क्यों शर्मिंदा होगी आपने तो हमेशा मेरी साइड ली मेरी किस्मत खराब है ये अच्छा नहीं कर रही हमारे साथ ना तुम्हारे साथ अच्छा कर रही है ना अपने माँ बाप के साथ
क्यों हो गया? जो तू रोती है ना, मेरा भी रोने का दिल करता है। खुदा का वास्ते मिट्टू तुम मत रोना, सही लगती है मत रोते हुए। वो मर्द ना होता है, होती नहीं। तू भी ना वैसे बात बात पे लड़की बना देती है मुझे। वाह, वो भूल जाती है मैं। तुझे कोई प्रॉब्लम है? हैं, तेरे पास मिट्टू है ना, तू तेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दे। मिट्टू, हमें दाजी से बहुत डर लग रही है। ओए, मैं ना बेबा को बता के आता हूँ। वो क्या कर लेंगी? ले, तुझे पता ही नहीं है, पूरा मोहल्ला रहता है बेबे से। एक बार ना नईम कसाई ने 1 किलो गोश्त के अंदर ना पूरा 1 पाउच छीछड़ा डाल दिया। बेबे ने जो मोहल्ले वालों के सामने ऐसी फैंटी लगाई, उसकी ऐसी फैंटी लगाई, ओए होए होए होए, मजा आ गया। ओए 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 ओए, इस वक्त मेरा दिल कर रहा है तेरी ऐसी फैंटी लगाओ, ऐसी फैंटी लगाओ। मेंटल पीसा, कैसी मर्द हो तुम, हर टाइम बेबे के पीछे भागती हो। सही लगती है ऐसी बुजदिल मर्द, मुझे जाओ यहां से। बल्कि मैं ही जाती हूं। कौन बताया मैंने को कि लड़का होता है, होती नहीं। डीजे, ओए बात सुन मेरी जरा। ओए हेलो, ओए की सुका है, तमीज नहीं है मुझे से बात करने की? भाई नहीं है फिर मेरा? आंखों में आंखें डाल के देख और बता कि ये बूछी तुझे किसी भी एंगल से डरपोक लगती है? डरपोक कम, स्टूपिड ज्यादा लगती है। बता ना कोई तरीका कि मैं भी फिर बहादुर लगूं। भाई नहीं है मेरा? एक मिनट रुको, 7 बजे आ जाना शाम को, बता दूंगा तरीके। अच्छा मेरा बैग उठाते के खाते में देते हैं। चले खुद उठा, पूछते रहना तरीके। भाई नहीं तू मेरा, तू कह तो मैं तुझे भी उठा लूं। है दे, ओ ओ रुक जा डीजे, बहुत भारी है तू। वैसे देखो भाई, ला जी पुत्र नींबू पानी पी ले, तबीयत ठीक हो जाएगी तेरी। ये ले पी। हैं, हाय हाय ताई जी, जो भी ये मेरी बच्ची, ये ला जी तनी किस नैश की नजर लगी है। अम्मा मेरी तरफ ना देख, ऐसे मैंने कुछ नहीं किया। तेरी बदनजरी लगी है इसको, मैं तुझे बता रही हूँ। जितनी मर्जी बदनजरी हो, जहाज की सीढ़ियां चढ़ जाएगी ये। अब छन्नो सब खैर है, मुझे क्यों बुलाया इस वेले? मैं तो मिठू मरण जोगे के लिए चूरी बना रही थी। अरे मिठू को छोड़, जिया को देख, पता नहीं क्या हो गया, जो खा पी रही है उछल के मैदे से बाहर आ रहा है। ना पर कब से चल रहा है सब कुछ? हाय काल से उल्टियां कर करके इसने तो अपनी मत मार दी, पता नहीं क्या खा पी लिया इसने। छन्नो कहीं खुशखबरी तो नहीं है? हाँ, परी जो है ना उड़ते परिंदे के पार गिन लेती है, तो शर्त लगा मेरे नाल। छन्नो दादी बनने जा रही है। हाय हाय, मैं सदके वो मेरी शहजादी, हाय मेरी बच्ची, हाय मुबारक छन्नू विखा, मुबारक, हाय हाय शहजादा, हाय खुशखबरी खुशखबरी। ये कुछ चाहिए इतनी? ध्यान से सुबह सुबह इतना बड़ा बदखबरी, अब लुट गया, अब बर्बाद हो गया बेचारा, हमारे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन जलाल मियां तुम्हारे पास पहले क्या था जो अब लुट गए, बर्बाद हो गए और कुछ नहीं बचा? और जरा गौर से देखिए जलाल मियां, क्या आप ही का नाम छपा है? तुम देखो 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 तुम देखो तुम भी देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इतना बड़ा बड़ा चपवाया है हमारे खिलाफ आकनामा दाजी ने अखबार में। अब तक तो पूरे पेशावर को भी पता चल चुका होगा। वो तो पहले ही बहाना ढूंढ रहे थे आपको आग करने का।
मौका दे दिया ना आपकी भांजी ने, उस बीबीसी की रिपोर्टर को तो वापस भेजो। पता नहीं क्या बात है, जो है मुंह उठाए सीधा घर में घुसा आता है। अभी निकालती हूँ उस मैना की बच्ची को। अरे नहीं ऐसे नहीं बेटा, नहीं, आराम से सोच के तसल्ली से भेजो उसे हॉस्टल। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे आगा जी। उसका भी बंदोबस्त करेगा आगा जी, अब पहले ये सोचो हम क्या करेगा। बीजा हमारा चर्सी टिक्का का दुकान, आगा साहब हमारा कश्मीरी चाय का होटल और नस्वार का फैक्ट्री का तो तुमको पता ही है, सब कुछ छीन लिया दादी ने हमसे। जलानिया ये सब क्या है, ये चर्सी टिक्के की दुकान, ये कश्मीरी चाय का होटल, ये कहाँ चला रहे थे तुम? मरीख पर? खबर में हमने किसी को इसलिए नहीं बताया ताकि नजर न लग जाए, पर लग गई दुश्मनों का नजर, लग गई। मुबारक 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 मुबारक, इतनी बड़ी खुशखबरी, मुबारक मुबारक, इतनी बड़ी खुशखबरी दी जान, मुबारक हो। ये अपने बेटे का बदला ले जाए तुम हमसे। दुर्भट मुँह चलाल पहचान, क्या हो गया है? ये खुशखबरी सुनने के बाद तो मैं इतनी खुश हूँ कि आप भी मुझे पेड़े नहीं लग रहे। ये देखो ज्यादती। आए, मैं तो इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाने के लिए आई थी सब लोगों को। चलो बाद में सही। हाय अल्लाह, किस खानदान का लड़की लाया तुम, किस खानदान का लड़की लाया, उसका असब नसब तो देखो, तुमको नजर नहीं आता ये लड़की लेकर आए? तौबा तौबा, देख लिया आपने, अब्बा जी जिंदा होते ना ये कभी ना होता। क्या हो रहा है? क्या हुआ जिया, ठीक हो? दिल खराब हो रहा है जिया? क्या हुआ बताओ तो सही। को फोन कर रही हो? हेलो हुमा यार, प्लीज घर पर आ जाओ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मैं ले जाता हूँ ना। हाँ ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। हाँ तैयार हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी। जिया ले माया, चीचुम चीचुम चाया, उलुलु उलुलु।